कृषि संसाधनों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसान जैसे कृषि के साधनों पर निर्भर रहते हैं। इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि कृषि के साधनों के बारे में, कृषि के साधनों के बारे में सबसे ज्यादा आज लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, स्टील साधन क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। MFY के अवार्ड के कार्यक्रम में यहाँ पर स्टील एग्जीबिशन का मेला लगा हुआ है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा MFY की पूरी टीम को, बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, हमें बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एज ए एग्जीबिटर अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। हम अपनी पूरी की पूरी किसानी संसाधन, किसानी रेंज दिखा पा रहे हैं। हमने यहाँ पे तरह तरह के किसानों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जहाँ हम किसानों से डायरेक्ट रूबरू हो पा रहे हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि ये दिल्ली में है, सेंटर में है, तो चारों तरफ से, क्योंकि कृषि जागरण ने बड़े अच्छे से उसके ऊपर मेहनत भी की है कि देश के कोने कोने से किसान आए और मिले। हमारे पास पंजाब से, राजस्थान से या साउथ से भी काफ़ी किसान आए हैं, विजिट किए, तो ये हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के हमें फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे ताकि हम अपने प्रोडक्ट दिखाते रहें। जी बिल्कुल सर। तो सर, ये आपके जैसे स्टील के जो साधन हैं, इसकी क्या मतलब किसान किस तरीके से इसको उपयोग कर सकता है और इसकी खेती में क्या इसका रहेगा? जी सर, अगर आप देख सकते हो तो प्रोडक्ट वगैरह हमने सब तरह के लगाए हुए हैं। हमने हमारे यहाँ पे छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए, जिम्मेदारों के लिए भी मशीन लगाई हुई हैं। यहाँ पे हमारा 2.1 HP का हमने पावर मीटर लगाया है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 फीट तक रहती है। इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमने यहाँ पे 6 HP का पावर मीटर लगाया हुआ है, जो बेल ड्रिवन आता है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये Euro 5 इंजन के साथ आता है। जैसे इंडिया में BS6 इंजन चलता है पेट्रोल में, और बाहर के देशों में Euro 5 इंजन चलता है। ये पोल्यूशन बड़ा कम देते हैं, इनकी एवरेज बहुत बेटर होती है, लाइफ बहुत बेटर होती है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो 7 HP में है। 7 HP में इसमें ये PTO शाफ्ट के साथ आता है, जिसमें हम स्प्रेयर भी लगा सकते हैं, साथ में बाकी अटैचमेंट भी इस तरह चलाई जा सकती हैं। इसमें अगर रात को किसानों ने काम करने हैं तो लाइट है, इसका अगर हैंडल एडजस्ट करना है तो हम हैंडल हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसका हैंडल टिल्ट करना है तो उसका हैंडल टिल्ट हो जाता है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ये 7 HP का है। हमारे सारे के सारे जो बड़े रोटावेटर है, वीटर जो है, वो FMTTI से अप्रूव्ड है, मतलब इनके ऊपर मैक्सिमम सारी स्टेट्स ने सब्सिडी दी हुई है। मैं हरियाणा देखता हूँ तो हरियाणा में इसके ऊपर 40-50% सब्सिडी रहती है, राजस्थान में इसके ऊपर सब्सिडी है, हिमाचल, हरियाणा, जहाँ भी आप देखेंगे हर स्टेट ने किसानी संसाधनों पे सब्सिडी दी हुई है, जिससे किसान इसको मुहैया करा सके। रिसेंटली हमने अभी वाटर पंप लॉन्च की जनवरी में, जहां तक मेरी नॉलेज है 6 HP में वाटर पंप ब्रांडेड में कोई कंपनी लेके नहीं आ रही 6 HP में, और 4 इंची का वाटर पंप लेके आने वाले ब्रांडेड में इकलौते हम हैं जो इंडिया में हमने लॉन्च किया है। मैंने बहुत सारी सर्वेस किए हैं, बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया है, लेकिन 4 इंची का वाटर पंप अभी तो कोई लेके नहीं आया। 4 इंची का वाटर पंप 7 HP में आता है, 3 इंची और 2 इंची का वाटर पंप 6 HP में आता है। स्ट्रॉन्ग इंजन, रोबस्ट इंजन के साथ आता है और बहुत बेटर है इसके साथ।